भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने शहीदों की धरती कहे जाने वाले कुंजा बादशाहपुर गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों की मुख्य समस्या गांव में इंटर कॉलेज को लेकर सामने आई, जो कि पहले यहां के राजा विजय सिंह के नाम पर हुआ करता था, जो कि अब राजकीय इंटर कॉलेज हो गया है। ग्रामीणों ने मांग रखी कि कॉलेज अमर शहीद राजा विजय सिंह के नाम पर होना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या गांव में इंटर कॉलेज बनाने को लेकर सामने आई, जिस पर भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले ही अमर शहीद राजा विजय सिंह के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा कर चुके हैं। जल्द ही पार्क पर मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने बहुत ही गर्म जोशी से विधायक का स्वागत किया। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि शहीद स्मारक, जो वैसे तो कलियर विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है, कलियर विधानसभा में पड़ती है, लेकिन मैंने कहा कि उनको उसका सौंदर्यीकरण बहुत जरूरी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मेरी बात को स्वीकार किया, और स्वीकार ही नहीं किया बल्कि घोषणा की। अब वो शहीद स्मारक भव्य रूप में बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आज यहाँ पर, चूंकि जिस मिट्टी में हमारे शहीद राजा विजय सिंह जी, कल्याण सिंह जी पैदा हुए, उस मिट्टी को नमन करने आया हूँ, उस मिट्टी से जन्मे। मेरा मानना यह है भाई, अगर वो अपनी भारत माता को प्रेम करता है, चाहे विधायक भारत के पड़े कोने का हो, उसे यहाँ की मिट्टी को नमन करना चाहिए। जानकार न हो तो अलग, ये तो भारत का राष्ट्रीय स्तर का तीर्थ स्थल है, जहाँ का बच्चा बच्चा कुर्बान हो गया हो, और दोबारा इस गांव को आबाद करने के लिए जो माता गर्भवती थी उनके बच्चे फिर पैदा हुए, तब तो गांव आबाद हुआ, बचे हुए लोगों को वट वृक्ष पर 42 लोगों को फांसी दे दी गई हो। तो कर्णवाल में अगर सपूत है उस माँ भारती का, तो कर्णवाल ही सबको आना चाहिए। और जिसके अंदर कहीं माँ भारती के प्रति कुछ गद्दारी होगी, तो शायद उस तीर्थ स्थल को ना मानने, तो उसके अपनी निजी